हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, अभी हम अपना एक वीडियो शुरू करने वाले हैं। उससे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको आने वाले अपडेट्स भी मिलते रहेंगे बेल आइकन प्रेस करने से। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। तो हमने येलो कलर का ऊन लेंगे, उसके बाद में ये इस तरह का गोटा लेंगे जो हाफ इंच इसका साइज है, और हमारा जो बेस रहेगा वो 2.5 इंच रहेगा, जो हम अपना तोरण के और बंदरवान बेस के लिए हम जो रेडी कर रखा है वो मैंने फ्यूजिंग में पिंक कलर को रैप करके बना रखा है। उसके बाद में ये येलो कलर का जो ऊन है उसको हम लेंगे, और इसको हमें 7 टाइम्स इसको लेना है, इसकी जैसे 7 टाइम्स इसको लेके हमें लड़ी जैसी बनानी है। और जो इसकी लंबाई रखेंगे हम वो 53 इंच या 52 इंच ही रखेंगे, आप 53 इंचेस भी रख सकते हो। और फ्रेंड्स, इसकी जो हम लड़ी बनाएंगे वो ऊन की थिकनेस के ऊपर रखता है। अगर कोई कोई ऊन मोटी होती है तो आप उसकी 5 लड़ियाँ रखिए, मतलब उसको 5 टाइम ही लपेटिए, और अगर मतलब पतली होती है तो आप उसको 7 टाइम्स कर दीजिए। तो और उसकी हमें 3 लड़ियाँ बनानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 3 बार इसको बनाया है। उसमें हम अपना गोटे को भी सेम साइज का इसको, जैसे हमने अपना 53 या 52 इंचेस के हमने अगर इसकी लेंथ रखी है तो उसी के हिसाब से इसको नापते हुए हम अपना गोटा की भी लंबाई उतनी ही रखेंगे, और वहां से तीनों को सेम रख के उसको गोटा को कट कर दीजिए। हमने अपना तीनों को ले लिया है। इस तरह से सबको एक साथ करने के बाद में ऊपर की तरफ एक नॉट लगा दीजिए। अभी हमें इसको जैसे हम बाल को चोटी बनाते हैं उस तरीके से भी हमें इसको, जैसे हमें चोटी बनाते हैं 3 वो लेके, हमें उस तरह की एक पूरी तैयार करनी है। इसमें मैं 2 तरह की ऊन यूज कर रही हूँ, येलो और रेड। रेड कलर की हम 2 बनाएंगे और येलो कलर की 1। इसको अच्छे से सिक्योर करने के बाद में एक्स्ट्रा को कट कर दीजिए। अभी इसको सेपरेट सेपरेट कीजिए, जो 3 हमने पहले बनाए थे उनको अलग अलग कर लीजिए। ये देखिए, अलग करने के बाद में हमें नॉर्मल जैसे अपना बाल को करते हैं उसी तरीके से हमें इसको बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी 3 लड़ियां तैयार कर ली हैं। 2 रेड कलर की बनाई है मैंने और 1 येलो कलर की, साइज सेम है तीनों का। फ्रेंड्स, अभी देखिए हम हमारे तोरण की जो नीचे की लटकन होती है उसके लिए हम इस तरह की एक कटिंग ले रहे हैं। पेपर पे मैंने इसको ड्रॉ करके कटिंग करा है, ये एक लीफ शेप जैसी है। आप पेपर पे एक लीफ जैसी कटिंग कीजिए, उसको सामने की तरफ से सीधा रखिएगा, और इसको रखने के बाद में हम इसको अभी अपने फ्यूजिंग पे, जो हमारी व्हाइट कलर की फ्यूजिंग है उसके ऊपर पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, और उसकी ही हम इस पे कटिंग करके हमें इस शेप की 8 हम लीफ कट करेंगे। यहां से इसको अच्छे से पहले आप पेंसिल की या पेन की मदद से इस पर ड्रॉ करके यहां से कटिंग कर लीजिए, और वहां से निकालने के बाद में ये पेस्टेबल है तो हम इसको प्रेस की मदद से पेस्ट करेंगे। ये हमारी शेप निकल के आ गई है, इसको हम सिजर की मदद से कट करेंगे। अभी ये देखिए, ये है मेरे पास एक ऑरेंज कलर का, ये मेरे पास वेलवेट का कपड़ा है। आपके पास ऑरेंज कलर है या येलो कलर है, आप दोनों में से कोई सा भी कलर ले सकते हो, और इसके ऊपर मैं अपना इसको पेस्ट करूंगी और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना जो फ्यूजिंग है पहले उसको कटिंग कर लिया है, और अभी मैं इसको आयन की मदद से मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ इसके ऊपर। जस्ट इसको गर्म करके प्रेस को ऊपर टैप करना है तो ये अपनी जगह पे चिपक जाएंगी, तो वो कट करने में इजी रहेगा। ये
ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह की मैंने कटिंग कर लिया है। इस तरह के हमें 8 मतलब 8 पीसेस चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से अपना जो हमारा बेस है उसके ऊपर हम कुछ इस तरह से इसको रखेंगे। तो पहले हम इसको अपना मैं सिलाई की मशीन से इस सिलाई मशीन की मदद से पहले मैं इसको स्टिच करूंगी अपने बेस के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा इसको जो इनको भी मैंने सिलाई लगा दिया और पीछे अपना जो पिंक कलर का कपड़ा भी मैंने लगा दिया ताकि जो हमारा पीछे हमने वो फ्यूजिंग लगाया वो भी नहीं दिखेगा। अब हम अपना बेस को जो हमारा ऊपर का है अब अपने हम बेस को रेडी करेंगे किस तरह से तैयार करना है। तो उससे पहले ये देखिए इस तरह के ये गोटा फ्लावर। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम हमारी इस तरह की एक लेस है वो हम अपने बेस के ऊपर लगाने वाले हैं। तो वो मैं ग्लूगन की मदद से लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप इसको भी सिलाई मशीन की मदद से स्टिच कर सकते हो। तो बस हमें अपना कॉर्नर से इसको लेते हुए मैं ये जितने भी साइड्स हैं हमारी बेस की ओवरऑल बेस पे हम अपना ये ग्लूगन की मदद से इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना जो पूरा बेस था उसके ऊपर मैंने इस तरह की लेस लगा दी है। अभी उसके बाद में जो हमने वुलन की अपनी लड़ियां बनाई थी इस तरह की हमने गोटा उसमें रैप करके वो अभी हम अपने बेस के ऊपर लगाएंगे। तो हम इसमें 2 कलर की लड़ियां ले रहे हैं, एक रेड, 2 रेड ले रहे हैं और एक येलो कलर। तो जो येलो कलर है उसे हम अपना बीच में रखेंगे और दोनों रेड कलर है उनको दोनों साइड्स में रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनको अपना बेस के ऊपर सेट करते हैं। तो साइड में जो हमारा स्टार्टिंग है हम वहां पहले अपना रेड वाली को अपना बेस के ऊपर पहले पेस्ट करते हैं। पेस्ट पहले हम अपना बिल्कुल कॉर्नर से इसको शुरू करेंगे। इसको पेस्ट करने के बाद में फिर येलो और उसके बाद में फिर सेकंड रेड जो है। इसी तरह से हमें अपना पूरे बेस के ऊपर हम इनको मिलाते हुए पूरे बेस बेस के ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। आप एक साथ पूरे पे ग्लू लगा के भी इसको पेस्ट कर सकते हैं या अगर आप चाहो तो सिंगल सिंगल को भी एक एक करके आप कर सकते हो जैसे आपको इजी होता है। ये सेम साइज की हैं। बस इसी तरीके से हमें अपने पूरे बेस के ऊपर इसे इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना पूरा बेस अपना जो गोटा था उसको लगाने के बाद में रेडी कर लिया है। अभी इस तरह की लेस है जो हमने अपनी लीफ शेप जो हमारे तोरण की जो नीचे लटकन के जैसे आ रही है उसके ऊपर अभी हम इसको पेस्ट करेंगे। ये भी ग्लूगन की मदद से लगाएंगे। बस ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो कंबूरे साल वाली साइड है हमारी लेस की वो बाहर की साइड पे रहेगी और बस उसको धीरे धीरे अपना ग्लू गन की मदद से फिंगर की मदद से प्रेस करते हुए उसको बस पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए हमारा जो लीफ है वो पूरा इसे हमने कवर कर दी है। एंड में जाने के बाद में उसको कट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने अपनी पहली लेस को पूरा इसको कवर कर दिया था। अभी जो दूसरी लेस है वो
थोड़ा ऐसे गोल्डन से कलर में है, वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो जो हमारा वहां एंड हो रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ से लेंगे इसको, और जस्ट जैसे हमने अपनी पहली वाली लेस लगाई थी जस्ट उसी तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए अपना ग्लूगन की मदद से इसको भी पूरे पे लगाएंगे। इसको बस जरा सा लेस के ऊपर से लेना है, जो हमारी पहली वाली लेस है उसके ऊपर से लेते हुए इसको हम लगाएंगे। ये हमारी बन गई है। अभी जो हमारा सर्कल था ये गोटा फूल, वो हम अपना इसमें मिडिल में लगाएंगे। ये भी मैं पेस्ट ही कर रही हूँ। इस तरह से हम अपने पूरे जितने भी हमारे हमने कटिंग करी है लीव्स की, वो सारी हम सेम तरीके से तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे तोरण का फाइनल लुक, जो बनने के बाद में कुछ इस तरह का आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि जो फ्रेंड्स ये गोटा फूल हमने अपना नीचे लगाए हैं, वही जो हमारा ऊपर बेस पे जो हम एंड लगाएंगे दोनों तरफ, हमें वही गोटा फूल उसका एंड पे भी लगा देंगे। तो वहां जो हमने नॉट डाली है वो भी दिखाई नहीं देगी और वो दिखने में सुंदर लगेगा। तो आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।